नाइट सेंडर स्टडीज लॉ थोरली कॉरेस्पॉन्डेंस सेंडर लॉस्ट जॉब एज अ फायर मैन आफ्टर फाइटिंग विद अ कलीग क्या था सुबह वो फायरमैन की जॉब करते थे शाम को वो रात को वो स्टडी करते थे लॉ लॉ कानून की पढाई करते कॉरेस्पॉन्डेंस होता है घर पे बैठ के स्टडी करना डर ने अपनी जॉब गवा दी कैसे गवा दी जो फायरमैन की लॉस्ट होगी क्योंकि उनका अपने एक साथी के साथ जो उनके साथ काम करता था उनके साथ क्या हो गया एक फाइटिंग हो गई झगड़ा हो गया आफ्टर अ वाइल्ड सेंडर बी केन टू प्रैक्टिस लॉ इन लिटिल रॉक विच ही डिड फॉर थ्री इर्स कहते बाद में उन्होंने लॉ की स्टडी करते थे ना फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की कानून की प्रैक्टिस स्टार्ट की एज अ वकील लॉयर के तौर पे लिटल रॉक के यहां जगह की थ्री तीन साल तक उन्होंने ये जॉब की हिज लीगल करियर जो उनकी कानून वाला करियर था जो वकील का करियर था खत्म हो गया एंड आफ्टर ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कोर्ट रूम ब्रॉल होता है विवाद किसी बात पे कोई विवाद हो गया और उनका कैरियर वहीं पे खत्म हो गया वकील का एट नाइनटीन उन्नीस साल की उम्र में ही बिकेम अ फादर ऑफ अ लिटिल गर्ल उनके घर एक बेटी का बर्थ हुआ सेंडर्स एस्टेब्लिश अ फेरी बोट कंपनी इन नाइनटीन ट्वेंटी बोट कंपनी स्टार्ट की उन्होंने जिनका नाम उन्होंने फेरी रखा 1920 को द फेरी बिजनेस वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस और उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली बट अराउंड 1922 मतलब दो साल में उन्होंने ये काम किया ही टू का जॉब ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द चैंबर ऑफ कॉमर्स इन कोलंबिया सेक्रेटरी की जॉब ले ली कोलम्बियस कोलंबियस में ही रिजाइंड फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू हिज लैक ऑफ पोटेंशियल रिगार्डिंग दिस जॉब और बाद पहले उनकी बोट कंपनी फेरी बोट कंपनी अच्छी चल रही थी पर दो साल की फिर उन्होंने सेक्रेटरी की जॉब ले ली बट फिर उन्होंने उसे डिजाइन दे दिया क्यों दे दिया क्योंकि वो इस काम को करने के समर्थ नहीं थे पोटेंशियल नहीं थी उनमें सेंडर लेटर कैस्ट इन हिज फेरी बोट शेयर एंड स्टेब्लिश अ कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसिटिलेन लैम्प एवर दिस वेंचर फेल किता फिर उन्होंने फेरी बोट कंपनी दोबारा स्टार्ट की और उत्पादन करना शुरू किया लैम्प का लैम्प का उत्पादन मैन्युफैक्चर बनाना वेंचर, हा एवर दिस वेंचर फेल्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये काम करने का बट ये उनका जो लैम्प बनाने का बिजनेस था वो भी क्या हो गया फेल्ड हो गया सेंडर फाउंड वर्क एज अ सेल्स मैन एज मिखेल कंपनी इंस्टीट स्टेटर इन विंचेस्टर कैंटरी कैंटली क्या था कि सेंडर ने फिर सेलमैन की जॉब की मतलब जो की टायर कंपनी थी एक उनका सेल्स जो की सामान बेचने वाला होता है विंचेस्टर में लास्ट इज जॉब इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर देख लो कितनी जॉब की उस इंसान ने बट उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ी ये भी दो साल जॉब करते थे वन ईयर टू ईयर फिर वो जॉब को छोड़ देते थे बट ही मेट द जनरल मैनेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैचुटी हुम टू रन सर्विस स्टेशन इन निकोलोसविले विच लेटर क्लोज एज रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन टेंशन कहता है पहले टायर कंपनी में उन्होंने सेल्समैन की जॉब की फिर ये जॉब चलेगी उनकी फिर वो उन, मैनेजर से मिले ऑयल कंपनी के उन्होंने उनको सर्विस स्टेशन ऑयल कंपनी ऑयल स्टेशन खोलने को कहा बट वो भी क्लोज हो गया जिसकी वजह में क्यों उनको टेंशन होगी डिप्रेशन होगी अनदर फेलियर वर इज इट एडेड टू हिज ऑलरेडी मेसी रिज्यूम स्टिल ही डिसाइडेड टू बी ए कुक एंड अ डिश वॉशर एट अ स्मॉल कैफे इतने बहुत ज्यादा उन्होंने काम किए बट फेल हो गए फिर उन्होंने डिसाइड किया वो कुक की जॉब करेंगे और डिश वॉशर क्या होता है बर्तन साफ करने वाले एक कैफे में शेल ऑयल कंपनी ऑफर सेंड्रा सर्विस स्टेशन इन नॉर्थ कोलंबिया के ऑयल कंपनी थी उन्होंने एक सर्विस स्टेशन उनको ऑफर किया था नॉर्थ कॉर्बिन में कैंटलकी इन द ईयर नाइनटीन रेंट फ्री रेंट फ्री मतलब उनको सर्विस स्टेशन दे रहे थे बिना कोई किराए के इन एक्सचेंज फॉर अ सर्टन परसेंटेज ऑफ सेल्स बट उन्होंने ये बोला था कि वो उन्होंने सेल करनी है जो भी जो ऑयल है बस कम बहुत ज्यादा सेल होना चाहिए बट बट सेंडर बिगेन टू सर्व किचन डिशेज एंड अदर मिल सच एज कंट्री हेम एंड स्ट्रीक देयर और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया फिर उन्होंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया चिकन को मील एंड दूजे मील खाने वाले चीजें ये सारे एक आ, जो फिश मील होता है सॉरी चिकन होता है उसकी क्वालिटीज हैं हिज पॉपुलैरिटी ग्रू पॉपुलैरिटी फेमस होना बढ़ने लगी विच गॉड ही कर्नल बाय द गवर्नर ऑफ कैंटलिंग कैंटल्कि विलेज है कोई जगह है वहां पे उन, वो बहुत फेमस हो चुके थे और उनको क्या बना दिया कर्नल बना दिया गया उस इलाके का ही रिटायर एट द एज ऑफ सिक्स फाइव कर्नल बना दिया आर्मी में कर्नल वगैरह की पोस्ट होती है फिर उन्होंने ये जॉब सिक्सटी फाइव ईयर जब उनकी उम्र होगी फिर वो रिटायर हो गए वन डे सिटिंग अंडर ट्री ही थॉट ऑफ राइटिंग कहता है एक दिन अपने घर पे बैठे हुए थे ट्री के नीचे और उन्होंने सोचा कि कुछ राइट करें वट ही वुड हैव हैड ही द चांस टू स्टार्ट हिज लाइफ ऑल ओवर अगेन उन्होंने सोचा कि जो भी उन्होंने किया है आज तक उसको लिखे राइट करें ही रियलाइज फिर उन्हें लिखते लिखते महसूस किया देर वो मच ही हैड नॉट डन येट उन्होंने महसूस किया कि अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं की वन ही रियलाइज दैट ही कुड लाइक नो एल्स उन्होंने महसूस किया कि उन्हें और भी कुछ करना चाहिए उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं दैट वॉज कुकिंग कुकिंग द रेस्ट द बेस्ट चिकन एनी वन हैड एवर टेस्ट फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए कि कुकिंग करनी चाहिए चिकन बनाना चाहिए ऐसा टेस्टेड चिकन बनाना चाहिए कि जो किसी ने अभी तक ना खाया हो borrowed, borrowed ही उधार लेना एट इज सेवन डॉलर टू बाय अ फ्रायर फ्रायर जहां पे फ्राई करने होते हैं ना डिश मीट को फ्राई करते हैं एंड द इनग्रीडियंट मसाले जो भी उन्होंने बनाना है उसके अंदर मसाले डालते हैं ना हम भी टर्मरिक सॉल्ट ये वो अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया मतलब उधार लिए अपनी रेसिपी के लिए ट्राइंग टू सेल इट फ्रॉम डोर टू डोर टू हिज नेबर्स इन द कैंफलिस एज वेल एज टू इल द लाइसेंस इट टू रेस्टोरेंट उन्होंने क्या किया उन्होंने घर डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाके अपने जो चिकन था अपनी जो डिशेस थी अपना जो मील था उनको बेचना स्टार्ट किया और कई रेस्टोरेंट में भी उन्होंने बहुत मेहनत की कई था उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया रिजेक्टेड एंड टाइम। कितने बार उनको रिजेक्ट किया गया मतलब उनकी जो तैयार किया गया चिकन था उसको खरीदने से मना किया गया वन थाउजेंड एंड द टेंट रेस्टोरेंट गेव हिम हिज यस वन थाउजेंड एंड नाइन टाइम उनको मना किया गया फिर उसके बाद उनको यस yes मिला और फिर क्या हुआ के का बॉर्न वॉज बॉर्न मतलब कि के एफ सी की, की नीह पत्थर रखा गया थाउजेंड टाइम था। उनको मना करने के बाद एक रेस्टोरेंट ने यस किया कि हम उनका जो चिकन है वो खरीदेंगे He began selling fried chicken from his own roadside restaurant in North नॉर्थ कोलम्बियन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद जो उनका फ्राइड किया हुआ चिकन था उनको बेचना स्टार्ट किया जो उन्होंने रेस्टोरेंट रोड साइड मतलब रास्ते में रोड पे एक रेस्टोरेंट खोला था उसके अंदर उन्होंने चिकन अपना जो बेचना स्टार्ट किया सेंडर रिकोगनाइज द पोटेंशियल ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी कंसेप्ट एंड द फर्स्ट के एफ सी फ्रेंचाइजी ओपन इन उथा इन नाइनटीन सेंडर ने महसूस किया कि उनके अंदर पोटेंशियल है कैपेबिलिटी है रेस्टोरेंट की खोलने की फिर उन्होंने अपनी ब्रांचेज स्टार्ट की ऐसे करते उन्होंने के का फर्स्ट ब्रांच खोली थी नाइनटीन में एट 88 एट कर्नल सेंडर बिकेम अ मल्टी 88 की उम्र में जो कर्नल सेंडर थे वो क्या बन गए मल्टी मतलब बहुत ज्यादा अमीर बन गए और जो के था जो उनका फूड का नेम था वो फेमस हो गया और जो उनका चिकन था फ्राइड चिकन वो बहुत फेमस हो गया द सेकेंड बिगेस्ट फूड इम्पायर दूसरे नंबर का सबसे फेमस फूड बन गया नाउ के एफ सी हैज ओवर ट्वेंटी थाउजेंड आउटलेट दुकानें इन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री कंट्रीज मोर अब उनकी बहुत सारी कहते हैं ट्वेंटी थाउजेंड दुकानेड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री कंट्रीज में मोरल क्या निकला हमें से क्या शिक्षा मिलती है कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम अपने सपने कभी ना छोड़ो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो अब करना सेंटर ने कितनी मेहनत कितनी जॉब्स की हैं सारी लाइफ वो जॉब्स करते रहे हैं फिर लास्ट में जाके उनको अपनी ड्रीम कम ट्रू करने का मौका मिला अपने सपने को साकार करने का मौका मिला और उन्होंने केएफसी खोला इट्स नेवर टू लेट टू ड्रीम कहते हैं सपने पूरे करने के लिए हम कभी लेट नहीं होते चाहे हमारे बूढ़े हो जाएं अपने सब सपनों को पूरा करते करते गो आफ्टर योर वाइल्डलेस ड्रीम अपनी जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनको पाने के लिए आगे बढ़ते रहो बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू डू एंड इन यूर सेफ नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड कहता है अपनी क्वालिटी में अपनी योग्यता में विश्वास रखो चाहे आपको कितनी बार भी रिजेक्ट होना पड़े बट आपने अपना काम नहीं छोड़ना जैसे कर्नल सेंटर ने नहीं छोड़ा था आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा रीड इट ओके बाय बेटा टेक केयर